क्या करे जब कोई आपके ज़िंदगी से जाना चाहता है, क्या करे जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है। सो गाइस, मैं हूँ श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि क्यों वो इंसान आपके ज़िंदगी से जाना चाहता है, कि क्यों वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है। गाइस, सबसे पहले ना एक बात समझ लो, हम जब भी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तब हम किसी ना किसी वजह से ही उस रिलेशनशिप में होते हैं। दैट मीन्स हम रिलेशनशिप में इसीलिए होते हैं ताकि हमें वहाँ से हैप्पीनेस मिले, हम जो चाहते हैं हमें वहाँ से मिले। अगर आप अलोन फील कर रहे हो, काफ़ी लोग अलोन फील करते हैं, तो वो किसी के साथ रिलेशनशिप में इसीलिए आए ताकि वो अपनी लाइफ की बात उनके साथ शेयर कर सके, एक दूसरे से बात कर सके और बेटर फील कर सके। लेकिन जब रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो रिलेशनशिप काफ़ी बोरिंग हो जाता है, इंटरेस्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है और ब्रेकअप भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपका पार्टनर या फिर कोई आपको छोड़कर क्यों जाता है। देखो, अगर वो इंसान आपके साथ था पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से, तब तक उस इंसान को वो मिल रहा था जो उसे चाहिए, फिर धीरे धीरे उसे वो नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, इसीलिए वो आपको छोड़ने का डिसीजन लेता है। दैट मीन्स अगर उस इंसान को बहुत ज़्यादा बात करना पसंद था, या फिर उस इंसान को मिलना पसंद था, या फिर उस इंसान को अपने फ्यूचर पर ध्यान देना पसंद था, या फिर किसी स्किल्स को सीखना पसंद था, और आप इन सभी चीज़ों में उस इंसान की मदद कर रहे थे, आपने मदद करना बंद कर दिया, तब उस इंसान को रिलेशनशिप से कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखो, अगर उस इंसान को बात करना पसंद है और आप उस इंसान से बात कर रहे हो, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप इससे सारी चीज़ें समझ सकते हो। आपके पार्टनर को बात करना पसंद था और इसीलिए आप उनसे बहुत ज़्यादा बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने बात कम कर दिया, आप ज़्यादा बात नहीं करते हो उस इंसान से, इसीलिए वो इंसान वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोचता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आई नो इतनी सी बात के लिए कोई किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन आप इस तरीके से समझ सकते हो कि उस इंसान को क्या चाहिए था, इसीलिए उस इंसान को वो नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, इसीलिए वो आपको छोड़ने का डिसीजन लेता है, वो आपके बिना अपने लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। हो सकता है अभी उन्हें कोई और बेटर ऑप्शन मिल गया हो, हो सकता है वो किसी इंसान को समझ रहे हो कि यार वो आपसे ज़्यादा बेटर है। दैट मीन्स आपके बीच में कोई तीसरा इंसान आया, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बात कर रहा है या फिर किसी और लड़के से बात कर रहा है, और वो लड़का या वो लड़की आपसे बेटर ऑप्शन आपके पार्टनर को लग रहा है, और इसीलिए आपका पार्टनर शायद आपको छोड़ने के बारे में सोच रहा है या फिर छोड़ रहा है। तो सबसे पहले यही समझ लो, आपका पार्टनर आपको छोड़ के इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसे वो नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पार्टनर हमें छोड़ के जाए, हमारा ब्रेकअप हो जाए, या फिर वो इंसान को हम खो दें। देखो, अपने साइड से एफर्ट्स डालो। सबसे पहले देखो कि वो इंसान रिलेशनशिप में क्यों था, उस इंसान को रिलेशनशिप से क्या चाहिए था, और उसे वही देना स्टार्ट करो। अगर आपकी गलती है तो आप उन्हें सॉरी कहो, अगर उनकी गलती है तो उन्हें माफ़ करो, यानी जो भी प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचो। अपना ईगो एटीट्यूड सब साइड में रखो, लेकिन एक लिमिट तक। मैं आपको यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर प्यार की भीख मांगो कि यार मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा या तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। ये सारी बातें मत करो, क्योंकि इससे वैल्यू नहीं बढ़ने वाली और ना ही इससे रिलेशनशिप पहले जैसा होने वाला है। ये सारी चीज़ें बकवास रह जाएगी, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें करना ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आप उन्हें बोल रहे हो कि यार मैं सुसाइड कर लूँगी, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप किसी को डरा कर अपने साथ नहीं रह सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रह सकते, इसीलिए एक लिमिट तक ही एफर्ट डालो। अब जितना कर सकते हो अपने साइड से, कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचो, अगर कुछ बुरा चल रहा है आपके रिलेशनशिप में तो उसे सॉल्व करने के बारे में सोचो, बट एक लिमिट तक। भीख नहीं मांगना है उस इंसान के सामने, गिड़गिड़ाना नहीं है,
कि रुक जाओ, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुमने बहुत वादे किए थे, तुमने ये किए थे, तुमने वो किए थे, इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए वो उन वादों को अभी सब साइड में रखो, प्रेजेंट पे फोकस करो कि क्या हमारे रिलेशनशिप में सही नहीं चल रहा है और क्या सही हो सकता है। बट अगर आपके एफर्ट्स डालने के बाद भी वो इंसान नहीं मान रहा है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो फिर क्या करना चाहिए? जाने दो, मत रोको। जबरदस्ती आप किसी को फोर्स करके नहीं रोक सकते। अगर वो आपके लाइफ से जाना चाहता है तो जाने दो। अगर आप अपने साइड से एफर्ट्स डाल रहे हो, एटलीस्ट एफर्ट्स डालो। अगर एफर्ट्स डालने के बाद भी वो इंसान नहीं रुक रहा है तो मूव ऑन करो। गाइज, एटलीस्ट एक लेवल के बाद भी अगर वो आपको नहीं समझ रहा है तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है कि आप उन्हें छोड़कर अपने लाइफ में आप भी आगे बढ़ो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। आप किसी को ये बोलकर नहीं रख सकते कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। इस तरीके से बोलकर आप उनको अपने पास नहीं रख सकते। इससे आप भी हर्ट होगे और उस इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा, जिंदगी आपकी बर्बाद होगी। इसलिए एक लेवल तक एफर्ट्स डालो, एक लिमिट तक एफर्ट्स डालो, वरना गाइज आपकी भी कुछ रिस्पेक्ट है, आपकी भी कुछ वैल्यू है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो या फिर ब्रेकअप करना चाहते हो और आप नहीं कर पा रहे हो, कोई भी डिसीजन आप ठीक से नहीं ले पा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं आपसे कॉल पर बात करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वहाँ वन ऑन वन गाइड करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट क्या होगा। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो।